हेलो गाइज वेलकम टू द चैनल सो आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक न्यू सीरीज डेट इज एवरी डे साइंस फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम बेस्ट 500 हंड्रेड क्वेश्चन की सीरीज़ मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे फ्रॉम फिजिक्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दिस इज द पार्ट वन ऑफ दिस बेस्ट 500 हंड्रेड क्वेश्चन सीरीज फॉर पी डी एफ ऑफ दिस वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वाल आप सिंपली टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हो इससे पहले जितने भी वीडियोस अपलोड हुए उन सभी की पी भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी सो so, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ने वाली है इस रेफरेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिया गया जितने भी साइंस क्वेश्चन रिलेटेड टू जेके एस एस भी आप वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाए बन जाते हैं सो लेट्स बिगेन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज और हाँ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस जेके एस 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 सी रेलवे एड अदर एग्जाम टू थाउजेंड टेन से लेकर टू थाउजेंड ट्वेंटी को लेट्स नाउ सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज दूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक देखो एवरीडे साइंस में हमें बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में जो साइंस हमारी यूज हो रही है वो सारी चीजें हमें पढ़नी है ओके okay? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपसे पूछ रहा है यहाँ सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पेयर ये आप याद रखें एडिशनली ऑप्शन वोल्ट ऐसा SI, वोल्ट किसका ऐसा SI यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का ओम की बात करें तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट का वॉट की बात करें तो पावर का जो चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती है जितनी पॉसिबल है टाइम कम है मैं कोशिश पूरी करूंगा बट जो क्वेश्चन हैं ये आपको याद करने करने नहीं एम्पेयर इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसमें एक्सप्लेनेशन भी हर क्वेश्चन के साथ है तो आई वॉन्ट की जब आप पी डी एफ देखेंगे एक बारी एक्सप्लेशन भी एक बार इसे रीड जरूर कर लीजिएगा एक बारी यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा गेन होंगी विच फिनोमिना एक्सप्लेन वाई स्काई अपेयर्स ब्लू कौन सा फिनोमिना एक्सप्लेन करता है द फिनमिना विच एक्सप्लेन द स्काई अपेयर्स ब्लू इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट यू नो विजिबल स्पेक्ट्रम आपने ज़रूर जाना होगा सुना होगा जिसमें सेवन डिफरेंट कलर्स हैं अगर मैं आपसे पूछूँगी सबसे ज़्यादा वेव लेंथ कौन से कलर की है लॉन्गेस्ट वेव लेंथ वो आपका आंसर होगा रेड कलर सबसे शॉर्टेस्ट मैं बोलूँ आपका आंसर होगा वॉयलेट कलर ओके अब स्काई स्काई अगर ब्लू कलर की बात करूँ तो उस ब्लू कलर की वेवलेंथ शॉर्ट है शॉर्ट वेवलेंथ है ब्लू कलर की तो वैस जैसे ही स्काई अपेयर क्यों करता है इट्स जस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसे रेले स्कैटरिंग भी बोलते हैं जब सनलाइट एंटर करती है अर्थ एटमॉस्फेयर में शॉर्ट ब्लू लेंथ वेव जो यू नो जैसे मैंने आपको बताया सबसे छोटा वेवलेंथ वॉयलेट कलर का है ब्लू की भी वेवलेंथ शॉर्ट है तो ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाता है यू नो स्कैटर हो जाता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस बाय द मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स इन दोसर सो दिस इसी स्कैटरिंग की वजह से जो स्काई है हमें हम जब देखते हैं उसे हमें ब्लू दिखता है ओके okay. जो स्पेक्ट्रम के कलर्स हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के कलर्स हैं इसके फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की अगर बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है वो है रेड कलर की ओके okay. ये आप जरूर याद रखें एंड उसके बाद ऑरेंज ग्रीन एंड क्वेश्चन कहाँ से पूछता है सबसे लॉन्गेस्ट वेव लेंथ आपसे पूछ देगा तो रेड है अगर सबसे शॉर्टेस्ट पूछेगा तो वॉयलेट है ओके okay. तो ये कलर्स भी आप याद रख लीजिएगा दिस इज द यू नो टोटल जो कलर्स आते हैं इसमें रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वॉलेट सबसे छोटी वॉयलेट की है फेवरेट ये आपको याद रखना है तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें स्काई ब्लू दिखता है उसके बाद नेक्स्ट है जी विच स्टे विच लॉ स्टेट्स फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो न्यूटन के तीन लॉ हैं ये आपको पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कहीं बार पूछता है लॉ थर्ड से टू फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन और न्यूटन लॉ फर्स्ट जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा लॉ कहता है फॉर यवर रिएशन देर इज इक्वल एंड अपॉजिट रिएक्शन दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ये आपको याद रखना है देखो आज ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूंगा मैं अब मुझे तो अब जी जी तो मैं ऑलरेडी कवर करवा रहा हूँ ये सेक्शन मैं ये सीरीज़ भी कंटिन्यू करूँ मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों को ये कैसी वीडियो लगी आपका रिस्पांस मुझे इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स चाहिए पाँच सौ लाइक्स का मैं टारगेट रख रहा हूँ नॉर्मल सा तो मुझे इससे एक आइडिया लग जाएगा कि मैं कितनी स्पीड में आगे काम करने वाला आई वॉन्ट कि कम्प्लीट करूँ 500 क्वेश्चन बट आप लोगों का मुझे रिएक्शन चाहिए तो 500 लाइक्स में टारगेट सेट कर रहा हूँ तो प्लीज़ इतना लाइक करें ताकि मुझे पता चल जाएगी आप लोगों को सीरीज तो मैं कंटिन्यूसली विद इन टू और थ्री डेज़ में पाँच सौ क्वेश्चन कवर कर रखता हूँ हिट द लाइक बटन अगर ये सीरीज आप कंटिन्यूटी चाहते हैं और हम मॉक टेस्ट जरूर दीजिए बिल्कुल अब एक महीना आपके पास टोटल बचा हुआ है सो प्लीज़ मेक इट श्योर कि सिर्फ पढ़ना नहीं है रिवाइज भी करना है ऐप को डाउनलोड कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में या नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड हुए उन सबके मॉक टेस्ट प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट प्लस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम माइको लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन अभी डाउनलोड करके अटैम्प्ट करें एनरोल करें एंड बेनिफिट उसका उठाएं आगे बढ़ते हैं विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉसिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे प्राइमरीली गैस इफेक्ट जो करती है ग्रीन हाउस यू नो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेजर जो प्राइमरी कंट्रीब्यूट करते हैं दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड ये सी ओ टू जरूर याद रख लीजिएगा ओके देर अदर गैसेज जिसमें आपका वाटर वेपर्स देन उसके बाद नाइट्रोस ऑक्साइड मिथेन ओजोन ओजोन के थ्री यू uh, नो you know, और ऑक्सीजन के थ्री एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें ओ थ्री होता है ये आप याद रख लीजिएगा इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेजरली कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस को वो है जी आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर रहेगा अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं विच एलिमेंट इज कॉमनली नो यूज एज डिस इन्फेक्टेंट इन स्विमिंग पूल्स तो स्विमिंग पूल्स में एज ए डिस इन्फेक्टेंट इसे यूज़ करते हैं हम सो दिस इज़ क्लोरीन ओके ये आप याद रख लीजिएगा क्योंकि इसी क्लोरीन की हेल्प से हम यूज़ करते हैं ताकि वहाँ के बैक्टीरिया वायरस एंड पैथोजेंस को हम मार पाएँ वाटर प्योरीफाइंग में भी क्लोरीन ही यूज़ होता है वट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ़ वॉशिंग सोडा ये कहीं बे क्वेश्चन पूछता है केमिकल फार्मूला सो दिस इज एन ए टू एन सी ओ थ्री एन ए टू सी ओ थ्री एंड इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट विच एसिड इज कॉमनली यूज फाउंड इन द स्टोमक एंड हेल्प इन डाइजेशन आपके स्टोमक में कौन सा एसिड देखने को मिलता है आपको सो so हमें मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल याद रखें इंपॉर्टेंट है विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द पावर हाउस पावर हाउस ऑफ द सेल काफ़ी आपने सुना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सो दिस इज

वट इज़ द फंक्शन ऑफ़ आर बी सी इन द ह्यूमन ब्लड आर बी सी का फंक्शन देखो आर बी सी होते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स आपको देखने को मिलते हैं तो रेड ब्लड सेल्स का मेन काम क्या है यू नो ब्लड हमारे अंदर है ब्लड हमारा हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है क्यों हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता अंदर जमता क्यों नहीं है क्योंकि इसमें हिपैरिन होता है वो भी याद रख लीजिएगा एंड वट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर बी सी आर बी सी का जो फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ओके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर विच ऑर्गन इज रिस्पांसिबल फॉर डीटॉक्सीफाइंग केमिकल्स तो हमारी बॉडी को डीटॉक्सीफाई कौन करता है डिटॉक्सीफाई केमिकल्स एंड मेटाबॉलिजिंग ड्रग्स इन द बॉडी सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन डैट इज लेवर जो हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड भी है ये आपको याद रखना है ओके स्किन ऑर्गन सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन एंड सबसे बड़ा ग्लैंड लेवर विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल डोनर है ये ब्लड ग्रुप तो हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप ओ जो है आपका यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट हैज नो ए और बी एंटीजन ऑन इट सरफेस। ओके ये अब याद रखें यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ याद रखें विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमोस्पेरिक प्रेशर एटमोस्पेरिक टॉर्स इसके फाउंडर हैं इस बैरोमीटर के तो हम जिसे एटमोस्पेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं सो बैरोटर मेजर्स एटमोस्पेरिक प्रेशर एक लॉ है जिसने प्रेशर एंड वॉल्यूम का आपस में रिलेशन एक्सप्लेन किया था जो इसने कहा था कि प्रेशर ऑफ द गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स वॉल्यूम सो ये लॉ किसने दिया था ये लिया था दिया था बॉयल्स लॉ ओके स्ट्रेट फॉरवर्ड आप याद रखें जो यू नो you know, जो रिलेशन एक्सप्लेन किया था वॉल्यूम और प्रेशर का किस लॉ के थ्रू बॉयल्स लॉ के थ्रू ओके ये आप याद रखें वट इज़ सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी देखो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो सन की जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है न्यूक्लियर

आपको सब कवर करवाऊंगा जो सीरीज जो आपको अब आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे सी सीरीज है विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर विनेगर आप जो हम घर में यूज़ करते हैं इसमें कौन सा एसिड होता है दिस इज एसिटिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट एसिटिक एसिड जो खटास आप देखते हैं ना खट्टा तो विच इज़ अ पी ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन पावर ऑफ प्योर वाटर का पी कितना रहता है प्योर वाटर वाटर का जो पीएच रहेगा वो रहेगा सेवन ओके देखो बिलो सेवन जो चीज़ें रहती हैं वो तो एसिडिक रहती हैं देन उसके बाद अब वो वो रहती हैं बेसिक तो प्योर वाटर जो हम पानी पीने लायक होता है उसका पीएच कितना होता है वो आपको याद रखना है वो होता है सेवन ओके इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीएच कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ देगा जैसे गैस्ट्रिक जूस का पूछ देगा काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है वन वन पॉइंट जीरो आप कह सकते हैं लेमन का टू पॉइंट फाइव यू नो तो वो एसिडिक होता है विनेगर का थ्री पॉइंट जीरो जो आपको एसिडिक फॉर्म में देखने का वाइन का थ्री पॉइंट फाइव ओके एसिड रेन का फाइव पॉइंट सिक्स जो पीएच वैल्यू होता है मिल्क का आपसे कई बार पूछ देता है सिक्स पॉइंट फाइव याद रख लीजिएगा अब जो मैं बोल रहा हूँ आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्योर वाटर का मैं आपको बता दिया सेवन एंड ब्लड का अगर बात करें तो हमारा सेवन पॉइंट फोर ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पी एच वैल्यूज भी याद रखें क्वेश्चन कई बार पूछ देता है विच गैस इज नोन एज अ लॉफिंग गैस लॉफिंग गैस किस गैस को बोला जाता है सो दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट वट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बिल्कुल ईजी सभी इसका आंसर करेंगे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में ओके तो ये बिल्कुल बेसिक है छोटे छोटे बट काफ़ी इफेक्टिव क्वेश्चन हैं जो हम अक्सर गलती में एग्जाम में गलती करके आते हैं कई क्वेश्चन तो बच्चे तो एटम इसका लगा के आ जाएंगे क्योंकि यू नो टिश्यू लगा कन्फ्यूज हो जाता है बंदा एट द एंड क्वेश्चन ईजी आएंगे एट द एंड के हाउ यू विल रिएक्ट हाउ यू विल मैनेज योर टाइम विच ऑर्गेज ब्लड पंपिंग के लिए कौन सा है दिस इज हॉट दिस इज़ हार्ट ओके विच विटामिन इज नोन एज सनशन विटामिन कौन सा विटामिन है सनशन विटामिन दिस इज विटामिन डी विच ऑर्गन फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड हमारी बॉडी में फिल्टर्स जो करता है वेस्ट फ्रॉम द ब्लड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज किडनी विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन बात कर रहा है या ग्लैंड की बात नहीं कर रहा है ऑर्गन हमारा स्किन ग्लैंड पूछे तो लिवर ऑर्गन पूछे तो स्किन ओके विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी ये कौन सा डिवाइस है दिस इज बेसिकली जनरली द मोटर जो आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी दिस इज मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है विच कलर है लॉन्गेस्ट वेव लेंथ लॉन्गेस्ट वेव लेंथ अभी आपको बताइए सबसे लॉन्गेस्ट वेव लेंथ रेड एंड सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो वॉयलेट प्राइमरी कॉज ऑफ टाइड्स यू नो जो लहरें समुंदर में उठती हैं तो उसका मेन रीज़न क्या है इसका रीज़न क्या है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून ओके ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून ये आपको याद रखना है वट इज़ मेजर इन हर्ट्स इसमें से मेजर इन हर्ट्स देखो स्पीड आपको पता है आप किलोमीटर्स में मेजर करते हैं फ्रिक्वेंसी करते हैं हम इसको हर्ट्स में टेम्परेचर आप लोग जानते हो हम डिग्री सेल्सियस uh, में या फेरन में करते हैं मास किस में करते हैं ये मुझे आप बताइए मास को हम किस में मेजर करते हैं ये आपके लिए ओके विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है तो ये तो आप सभी आंसर करेंगे दिस इज अब अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता ना स्टिल तब आप आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आपको पता ही नहीं है बिल्कुल आप आयरन सोचिए आयरन कब लिक्विड आपने देखा एल्मोनियम कब देखा कॉपर कब देखा तो मरकरी तो बचा ओके okay? विच प्रोसेस डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टू गैस सॉलिड टू गैस जो चेंजिंग होती है इसको कौन सा प्रोसेस डिस्क्राइब देखो इव ऑपरेशन आपको पढ़ना है सब्लिमेशन आपको पढ़ना है कंडेंसेशन आपको पढ़ना है तीनों के बारे में आपको जानना है सो so, इसमें जो बात कर रहा है वो कर रहा है सॉलिड टू गैस दिस इज सब्लीमेशन जब इस तरीके के क्वेश्चन आते ना जहाँ लगता है कि बिल्कुल तो एक बार सर्च कर लो रिसर्च कर लो नेट पर ये चीज़ें खुद से नोट्स बनाया करो इसी तरीके से आप एट दी एंड प्रॉपरली आप बना सकते हो नोट्स विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन तो कौन से ब्लड सेल्स इन्फेक्शन के लिए लड़ते हैं तो दिस इज वाइट ब्लड सेल्स ओके वेरी इंपॉर्टेंट आर बी सी का रोल क्या है आर बी सी का रोल है जी ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन का वाइट ब्लड सेल्स का इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ना और प्लेटलेट्स आप लोग जानते हो जो हमें हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हमें हेल्प करते हैं विच प्रोटीन इन द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज़ सो ये है जी हमारा आर बी सी जो है जी आपके हीमोग्लोबिन जो आपको देखने को मिलता है सो दिस इज़ अ प्रोटीन इन द ब्लड विच कैरीज़ ऑक्सीजन टू द ब्लड टिश्यूज़ और हमारा हमारे ब्लड हमारा यू नो मैंने आपको बताया हिपैरिन होता है क्योंकि हमारा ब्लड कभी भी अंदर आपने कभी देखो क्लॉटिंग नहीं होती क्योंकि वो हिपैरिन ही है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है इन द बॉडी विच ऑर्गनइज नोन एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है हमारा न्यूक्लियस ओके विच इज अ मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट अर्थ क्रस्ट की पूछ रहा है सो so आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन ओके अर्थ एटमोस्फेयर में अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है कौन सा एयर है यू you नो know, कौन सी गैस है बेसिकली आप तब आंसर होगा आपका नाइट्रोजन एंड यहाँ क्रस्ट की बात कर करें तो दिस इज ऑक्सीजन विच सबिस्टेंस इज कॉमनली नोन एज ड्राई आइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है ड्राई आइस हम बोलते हैं सोडियम कार्बन डाईऑक्साइड को सॉलिड कार्बन डाईआक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस वेरी इंपॉर्टेंट विच एलिमेंट इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ डायमंड डायमंड का यू नो हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ सो डायमंड का जो आपका मिलेगा जी कंपोनेट दिस इज़ कार्बन वट इज अ केमिकल सिम्बल फॉर गोल्ड गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है जी गोल्ड का केमिकल सिम्बल है ए यू ओके याद रखें वट विच एसिड इज कॉमनली फाउंड इन स्टोमक ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है विच हार्गोन रेगो रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स हैं उससे रेगुलेट कौन सा ऑर्गन करता है कौन सा हारमोन करता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंसुलीन याद रखें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वट इज अ जेनेटिक मटीरियल इन द मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी का जो हमारी पहचान बताता है ओके तो दिस इज डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड दैट इज डी एन ए वेरी इंपॉर्टेंट वट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऐसा यूनिट पावर मैं आपको भी बताया स्टार्टिंग में जब रिवाइज करवाया था तो वॉट इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर वॉट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ आपको देखने को मिलेगी नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्र विच फिनोमिना एक्सप्लेन्स द बैंडिंग ऑफ लाइट वेन इट पासिस फ्राम एयर टू वाटर कौन सा फिनोमिना जो एक्सप्लेन करता है बैंडिंग ऑफ लाइट जब ये पास करती है फ्रॉम एयर टू वाटर दिस फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन ओके सो रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है जो एक्सप्लेन करता है बैंडिंग ऑफ लाइट्स बैंडिंग ऑफ लाइट्स के बारे में पूछे तो रिफ्रैक्शन अगर ब्लू स्काई uh, क्यों करता है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखने ही रखने ओके okay. तो ये हो गया जी आज हमारा सीरीज़ नंबर वन जिसमें हमने 40 क्वेश्चन किए हैं पार्ट वन में दस से बारह वीडियो लाऊंगा, पाँच सौ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाऊंगा बट द कंडीशन इसकी मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए कि क्या आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे आइडिया लग जाए क्योंकि अगर मैं मेहनत करने वाला हूँ तो मुझे पता भी तो चलना चाहिए कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन बाकी ऐप को डाउनलोड करें मॉक टेस्ट जरूर दें बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और उससे आपकी आपको एक आइडिया लग जाता है अबाउट कि एग्ज़ाम में कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है क्या जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में सून वेरी सून आई होप ये वीडियो जल्दी ही पाँच सौ टारगेट हम अचीव करेंगे नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही अपलोड किया जाएगा थैंक यू टेक केयर सी यू सून बाय टेक केयर